कलेक्ट्रेट पर शिव सैनिकों द्वारा जोरदार नारेबाजी करते हुए HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। पीड़ित छात्रों ने SSP को ज्ञापन देकर लगाई न्यायिक गुहार। सोमवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर शिव सैनिकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए SSP कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की और इंस्टीट्यूट संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ज्ञापन लेने आए CO ने पीड़ितों को सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडल प्रभारी डॉक्टर तुरेहर ने भी CO को पूरी जानकारी दी और ज्ञापन दिया। इसके पश्चात शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद रहे। शिव सैनिक का मंडल प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के साथ पीड़ित गुलवेज व अन्य पीड़ित भी साथ में आए। पीड़ितों के मुताबिक वह भी HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से पीड़ित हैं। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने डी फार्मा किया था लेकिन डिग्री फर्जी दे दी गई, जबकि दूसरी पीड़िता का कहना है कि BNYS का फर्जी कोर्स कराया गया जो कहीं भी मान्य नहीं है। मालूम हो कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चर्चित HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके संचालक ने छात्र को डॉक्टर बनाने के लिए कथित तौर पर अपने HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में दाखिला किया और 4 साल में शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए ऐठे और फिर कुट रचित डिग्री डिप्लोमा थमा दिया, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी कहीं मान्य नहीं है और छात्र बेहद परेशान हैं। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल प्रमुख शिवसेना मंडल मुरादाबाद। क्या मामला है फर्जी डिग्रियों का? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी व SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी व SSP महोदय को प्रेषित ज्ञापन में मांग करते हैं कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत विद्यानगर हड़तले में एक झोला छाप डॉक्टर हारून सैफी फर्जी HSB इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नाम से कॉलेज चला रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को फर्जी डिग्री बांट रहा है। हजारों छात्र छात्राओं से इसने पैसे लेकर BNYS, DNYS और बी फार्मा की डिग्री बांट दी हैं और वो डिग्री बिल्कुल फर्जी हैं। जब ये लोग डिग्री लेकर किसी कॉलेज में जाते हैं या कोई दुकान खोल के बैठते हैं, क्लिनिक खोल के बैठते हैं, तब ये लोग पकड़े जाते हैं। इन्हें अपने ठगे जाने का एहसास होता है, तब ये लोग जब इससे अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं तब ये धमकियाँ देता है और जान से मारने की धमकी देता है। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी महोदय व शिव सैनिक SSP महोदय को प्रेषित ज्ञापन में मांग करते हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए और जो छात्राएं ठगे गए हैं उनका पैसा वापस दिलाया जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए DM कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलवेज है, रामपुर का रहने वाला हूँ। सर, हमने HSB मेडिकल से BNYS किया था, CMS किया था। डॉक्टर हारून जो उनके संचालक हैं, उन्होंने बोला हमसे ये कर लो, डॉक्टर की डिग्री है और रजिस्ट्रेशन करा के हम देंगे। जब हमारा पूरे कंप्लीट हो गया, डिग्री आ गई, हम रजिस्ट्रेशन कराने गए CMO ऑफिस, तो हमें पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन जो है इनका फ्रॉड तरीके से नकली है, मतलब इसका कोई वजूद नहीं है। फिर उसके बाद हम इनके पास वापस गए, अपना रजिस्ट्रेशन लेकर बोले हम CMO ऑफिस गए थे, ऐसे ऐसे निकला आपका ये, तो हमें दुआएं धमकाने लगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं संपादक हूँ अखबार का, वो मेरी जान पहचान है अधिकारियों से, अगर हमने पैसे मांगे वापस तो। अब हमें डरा धमका रहे हैं, पैसे भी हमारी फीस भी वापस नहीं कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर, मेरे पैसे लगभग 2.5 लाख रुपए हैं। अरे सर, बहुत कई सौ छात्र को भविष्य बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर, ये BNYS 4 साल का था और CMS AD 2 साल का था। 2014 में एडमिशन लिया था मैंने, 10 साल पूरे मेरे इन्होंने खराब कर दिया, भविष्य मेरा पूरा खराब कर दिया इन्होंने। और भी सर, बहुत बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ये। हम चाहते हैं सर इसके खिलाफ कार्रवाई हो, हमारी फीस वापस कराई जाए और इंस्टीट्यूट बंद किया जाए, फर्जी तरीके से है ये, तो और भी बच्चों का भविष्य आगे से खराब ना हो।